जिले की शिवनाथ नदी में लगातार 70 घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के सबसे बड़े हिस्सा रहे और जिनके द्वारा इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलता मिली, उन स्थानीय मछुआरों का जन समर्पण सेवा संस्था ने किया सम्मान। दुर्ग की जन समर्पण सेवा संस्था द्वारा सबसे पहले पहल करते हुए उन मछुआरों एवं एकमात्र चश्मदीद गवाह का सम्मान किया गया जो कि दुर्ग जिले की शिवनाथ नदी में लगातार 70 घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के सबसे बड़े हिस्से रहे। पिछले 4 दिनों से पूरे प्रदेश के नागरिकों की नजर दुर्ग शिवनाथ नदी में डूबी गाड़ी पर थी। सबके मन में प्रश्न था कि गाड़ी में कौन है, कितने लोग हैं, गाड़ी कब निकलेगी, कौन निकालेगा। इन सभी बातों का हल निकालने के बाद जिसमें शासन प्रशासन SDRF NDRF की टीम ने खूब मेहनत की, हर तरह की कोशिश एवं प्रयास किया जो कि सराहनीय रहा, परंतु इस कार्य में सफलता हमारे शहर के मछुआरों के हाथों से मिली है। ये मछुआरे हमारे वो सहयोगी हैं जो नवरात्र, गणेश एवं अन्य पर्वों पर पूरे जिले में स्थापित माताजी, गणेश जी एवं अन्य विशाल बड़ी बड़ी मूर्तियों का विसर्जन कराने में अपना योगदान देते हैं, जिससे मूर्ति विसर्जन में किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती। इसके साथ बिना किसी प्रचार के कभी भी नदी में गिरे लोगों की मदद करके उनको सुरक्षित बाहर निकालते हैं। इसी कड़ी में इन सभी योद्धाओं का सम्मान जन समर्पण सेवा संस्था दुर्ग के द्वारा किया गया। जिले में सबसे पहले इन मछुआरों का सम्मान करते हुए संस्था द्वारा मछुआरों को उनकी जरूरत की सामग्री, मछली पकड़ने का 800 मीटर जाल, साथ ही इस कार्य में सहयोग एवं अपना योगदान देने वाले 15 मछुआरों साथियों का किसान गमछा बनियान सम्मान स्वरूप भेंट किया गया। इस संबंध में मीडिया के समक्ष जन समर्पण सेवा के अध्यक्ष बंटी शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जन समर्पण सेवा संस्था दुर्ग जिसका एकमात्र उद्देश्य मानव सेवा है, इसी मानव सेवा के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए आज हमने दुर्ग शहर में एक नई पहल का प्रारंभ किया है, जिसमें पिछले 4 दिनों से पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जो बन चुका था शिवनाथ नदी में अंदर जो कार पिछले 4 दिन पहले घुसी थी उसको बाहर निकालने में शासन प्रशासन का योगदान देने में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले मछुआरे भाइयों का आज सम्मान जन समर्पण सेवा संस्था ने किया है, जिसमें जन समर्पण सेवा संस्था ने सभी मछुआरे भाइयों को किसान गमछा उड़ा करके उनकी जरूरत की बनियाइन और उनकी सबसे जरूरत की सामग्री जो कि इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे भूमिका मुख्य निभाई है वो है जाल, वह जाल का सम्मान स्वरूप आज भेंट जन समर्पण सेवा संस्था द्वारा किया गया। इसके साथ साथ जो श्याम कुमार ढीमर जिसने इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का चश्मदीद गवाह था उसको प्रतीक चिन्ह मोमेंटो और पुष्पगुच्छ देकर सम्मान किया गया है। संस्था का मुख्य उद्देश्य मानव सेवा और मानव सेवा का कार्य कर रहे लोगों को जनता तक पहुंचाना है। हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि ऐसे सूरवीरों का, ऐसे शहरवासियों का जो इस ऐसे सेवा कार्य करते हैं उनका सम्मान करें ताकि उनको प्रेरणा मिले और उनका प्रोत्साहन जगे। कहाँ रहते हो? यही पुलगांव शिवनाथ नदी में। आप बताना चाहेंगे कि पहली बार शिवनाथ नदी में, ऐसे तो बहुत सारे घटना घटते रहते हैं लेकिन पहली बार जन समर्पण सेवा संस्था ने अपने स्वेच्छा से हम लोगों को, पूरा मछुआरे जितने भी हैं भाइयों को, आज हमको सम्मान दिया है, गमछा दिया है और जाल भी दिए हैं और एक शील्ड भी दिए हैं अपने तरफ से। बहुत खुशी मिल रहा है, पहली बार हमको सम्मानित किया गया है और सम्मान के लिए हम सबको धन्यवाद करते हैं, आभार रहते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।